वेलकम टू मेधा एजुकेशन चैनल और आज हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। इसका आंसर है चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। चार्टर अधिनियम कब आया था? 1813 के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया गया था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। नवीनीकृत यानी उसको रीऑर्गेनाइज किया गया था, उसको फिर से लाया गया था न्यू फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सीआर दास। इसका आंसर है महात्मा गांधी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पूर्व स्वराज कांग्रेस के पूना अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पारित किया गया था, परंतु स्वतंत्रता घोषणा शपथ 26 जनवरी 1931 को ली गई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ली गई थी, जबकि स्वतंत्रता की घोषणा महात्मा गांधी जी के द्वारा तैयार की गई थी। अब इसमें जो की पॉइंट्स है जिसको मैं अंडरलाइन करूँगी, उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। सबसे पहले, पूर्ण स्वराज कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? पूना अधिवेशन में। कब हुआ था? 1929 में। स्वतंत्रता की घोषणा शपथ कब हुई थी? 26 जनवरी 1931 को। पूर्ण स्वराज की घोषणा यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। स्वतंत्रता की घोषणा महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। आजकल के टाइम में इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सीट वितरण का आधार जनसंख्या थी। संविधान सभा की संरचना कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 और 3। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। नेक्स्ट को इससे पहले इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। विभाजन से पहले संविधान सभा के सभी सदस्यों का चुनाव किया जा चुका था। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 19 दिसंबर 1946। मेरा एक क्वेश्चन है, इस टाइम इसके टेम्परेरी मेंबर कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके टेम्परेरी मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके दो दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को इसकी एक और मीटिंग हुई, जिसमें इसके परमानेंट मेंबर डिसाइड किए गए। उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विभाजन के बाद 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा का गठन पुनः किया गया। इसमें कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर करने के अवसर पर कितने सदस्य मौजूद थे? 284 सदस्य। कितने सदस्य थे? 284। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। ये जो पॉइंट है, ये 19 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सिटिंग हुई। सेकंड बैठक भी आप लिख लीजिएगा 11 दिसंबर 1946 को। उस समय जो टेम्परेरी मेंबर थे 9 दिसंबर को, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद। 11 दिसंबर को जो परमानेंट मेंबर बने थे यानी स्थायी सदस्य बने थे। 9 दिसंबर 1946 को जो अस्थायी सदस्य थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को जो स्थायी सदस्य बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें जो मीटिंग हुई थी उसमें कितने सदस्य मौजूद थे? 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर करने के अवसर पर जब मतलब साइन करना था तब कितने लोग आए थे? सिर्फ 284 सदस्य मौजूद थे। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बाकी के सदस्य क्यों नहीं आए थे? तो इसका आंसर है क्योंकि उस समय जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि वो एक अलग पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन को रोकना, भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ राजी करना, प्रांतों में कांग्रेस सरकारों को इस्तीफा वापस के लिए राजी करना, संविधान निर्माण की व्यवस्था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना। मार्च 1942 के अंत में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत का सहयोग करना चाहती थी। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने इस मिशन का
अध्यक्षता की, परंतु यह मिशन असफल रहा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्रिप्स मिशन था उसके हेड कौन थे, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो मिशन था वो असफल क्यों रहा था। उसका रीज़न ये है क्योंकि उस समय जो लीडर्स थे लाइक महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने डिमांड किया था पहले कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, लेकिन उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन जब क्राइसिस हुआ यानी जब वर्ल्ड वॉर टू आया तो उनको इंडिया के लोगों का सपोर्ट चाहिए था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप हमारे साथ आइए, वर्ल्ड वॉर में हमारे साथ फाइट करिए, उसके बाद हम विचार करेंगे कि आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। लेकिन मीनवाइल फिर ऐसा हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि अब तो हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब तो हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नवाब विकार उल मुल्क, मुश्ताक हुसैन, मियां अब्दुल अजीज, हिदायत हुसैन खां, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसमें सबको आंसर लग रहा होगा मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। मुस्लिम लीग की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। इसकी स्थापना में आगा खां तृतीय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसकी महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? आगा खां तृतीय की। आप जहाँ भी नोट्स बना रहे उसमें हेडिंग डालिएगा मुस्लिम लीग कब 1906, कहाँ ढाका, और महत्वपूर्ण भूमिका आगा खां तृतीय। सिर्फ हेडिंग डाल के ऐसे कीवर्ड्स लिखने हैं। नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक थे, उन्हें अलीगढ़ आंदोलन के लिए जाना जाता है। ग्रीष्मकाल की आंधी की तरह मेरठ विद्रोह भी अनापेक्षित और बेहद छोटा था, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? एसएन सेन, इसका सही ऑप्शन है एसएन सेन। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये एक मॉक टेस्ट है, आपको क्या करना है, आप ये जो जितने क्वेश्चंस हैं उसके आगे सब में 1-1 मार्क्स हैं, तो आप जिस पे गेन करें मार्क्स उस पे +1 और जिस क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए उस पे -1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1813। आपके मन में आ रहा होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली को यानी उसके एकाधिकार को क्यों समाप्त किया गया था? तो इसका आंसर है क्योंकि उस समय ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही आई थी, यानी उन्होंने ही भेजा था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेड होते थे या जो सेक्रेटरीज होते थे, जो अदर पोस्ट की यानी जो हायर पोजिशन के जो लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो डायरेक्टली तो इनकम करते ही थे जो कि टैक्स के फॉर्म में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता था। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो उच्च पद के लोग होते थे ना, वो अपने लिए भी व्यवसाय करते थे, यानी वो उनका पर्सनल ऑक्यूपेशन भी होता था, वो खुद के लिए भी कुछ ना कुछ कमाते रहते थे, उनकी पर्सनल इनकम बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से जब ये बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जब पता चली वहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने उनकी जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया था। और उसका रीज़न ये भी था क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने सोचा कि अब तो हम ही यहाँ पे राज करेंगे और कोई कंपनी यहाँ पे आ ही नहीं सकती। इस वजह से भी जो इनका मोनोपोली था वो समाप्त किया गया था। 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी? इसका आंसर है महात्मा गांधी। संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, गलत। सीट वितरण का आधार जनसंख्या थी, सही। संविधान सभा की संरचना कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक थी, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि संविधान सभा की संरचना किस से डिपेंडेंट यानी किससे लिंक्ड है? कैबिनेट मिशन प्लान से। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है कि उस समय जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जो भारतीयों के अपने साथ लाने के लिए राजी करना। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे मुश्ताक हुसैन, आप सिर्फ कीवर्ड याद रखिए मुश्ताक हुसैन। ग्रीष्मकाल की आंधी की तरह मेरठ विद्रोह भी अनापेक्षित और बेहद छोटा था, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो उसको एक आंसर के फॉर्म में लिखेंगे,
कि ग्रीष्मकाल की आंधी की तरह मेरा विद्रोह भी एक अनपेक्षित और बेहद छोटा था। ये GS1 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के होमवर्क की बात करते हैं। कंपनी के शासन के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं। सो सब्सक्राइब माय चैनल मेधा एजुकेशन, स्मैश द लाइक बटन और मेरी और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा और शेयर माय वीडियो। थैंक यू।